वो आज हम पहुंच गए हैं दुर्गा कुंड मंदिर और वहां चलते हैं दर्शन करने। तो दिख रहा है दुर्गा कुंड मंदिर, यहां से थोड़ा सा दूर है, 50 मीटर की दूरी पे है, वहां हम चलते हैं दर्शन करते हैं। आज माँ के स्कंद माता स्वरूप के दर्शन करेंगे। तीनों लोक से न्यारी जब हम काशी में आते हैं, महादेव के अलावा यहाँ पे आदि शक्ति भी माँ विराजमान है। बनारस में भी आपको माँ दुर्गा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये जो मंदिर है ये दुर्गा कुंड मंदिर के पास स्थित है, ये दुर्गा कुंड मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लाल पत्थरों से बना ये मंदिर दिव्य तो है ही, साथ में परिसर में कुंड भी है जो दुर्गा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में आता है उसके समस्त पाप भी कट जाते हैं और उनको माँ का दिव्य दर्शन भी होता है यहाँ पे। आज माँ का नवरात्र चल रहा है और नवरात्र में माँ के मंदिर में कितनी लंबी भीड़ है, यहाँ भक्तों की तांतर लगातार निरंतर लगा रहता है और रात दिन यहाँ पे दर्शन भक्तों को होते रहते हैं। ये मंदिर जाने के लिए रास्ता है, इससे चारों तरफ दुकानें हैं। ये भी आधा सुखा पाचा चप्पल खुल गया है, दीदी चप्पल खुल गया आ रहे भैया, बहुत सुंदर लाल रंग से पूरा माँ का मंदिर बना हुआ है। आज शक्ति माँ दुर्गा का रूप है यहाँ विराजमान। 20 लोग और खड़े हैं, नवरात्र पर भीड़ रहती है क्या? जी हाँ। वैसे भी ऐसे तो यहाँ 9 दिन भीड़ होता है हमेशा, लेकिन नवरात्र में ज्यादा भीड़ देखी गिनती धक्का मुक्की चल रही यहाँ पे, पर दर्शन सबको मिलेंगे। हाँ दर्शन सबको मिलता है, इतना भीड़ रहे आए तो दर्शन करके ही जाएंगे माँ के। ये मंदिर का परिसर है जहाँ माँ काली भी विराजमान है और माँ के दरबार में छोटी छोटी कन्याएं जो कलश लेके माँ के दर्शन करने आई हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, हर तरफ चारों तरफ खुशहाली है और बहुत ही अच्छे समय हम यहाँ पहुँचे हैं जब माँ की आरती का समय हो गया और हमें माँ की आरती में शामिल होने का भी सौभाग्य मिला। मंदिर के इस परिसर में यहाँ पे हवन कुंड, जो निरंतर हवन कुंड यहाँ पे प्रज्वलित रहता है और यहाँ पे लोग आहुति देते रहते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पंडित जी जो उन्होंने हमें मौली बांध के मंत्रों से उच्चारण करके हमारे मौली बांधी। माता का सिद्ध मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक माँ का ये मंदिर भी है। पूरे देश के दूर दूर से भक्त यहाँ माँ के दर्शन करने आते रहते हैं, निरंतर ये यहाँ पे आना जाना भक्तों का लगा रहता है। आरती हुई संपन्न और दर्शन के लिए फिर से हम आगे बढ़ना शुरू हुए माता के। जय माँ आदि शक्ति, आपके स्वरूप को बारंबार प्रणाम। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए माता के आदि शक्ति रूप में। मन्नत की चुन्नी जो हम मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं यहाँ पे बांधते हैं और जब पूरी होती है तो यहाँ पर हम दोबारा आते हैं माता की चुन्नी जो बांधी है उसे खोलने के लिए। जय माँ भवानी। मंदिर परिसर में माँ काली माता का स्वरूप और काल भैरव भी विराजमान है। ये माता का दुर्गा मंदिर और ये दुर्गा कुंड है।
दुर्गा कुंड के नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है। ये बहुत बड़ा सा कुंड बना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी बड़े एरिया में है और वो माता का मंदिर है। ये बैक साइड का हिस्सा है, अंदर मंदिर बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है माँ का। माँ आदिशक्ति के रूप में माँ विराजमान है। काशी नगरी बाबा के दर्शन और आदिशक्ति माँ के दर्शन करके बहुत प्रसन्नता हुई। जय भवानी, जय भवानी। मेरे इसी तरह के नए वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।